डीएसपी हीरालाल सैनी का महिला कांस्टेबल के साथ स्विमिंग पूल में नहाते हुए का अश्लील वायरल वीडियो केस अभी तक पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ कि राजस्थान पुलिस की छवि एक बार फिर दागदार हो गई। अलवर जिले के कठुमर थाना इलाके में एक पुलिसकर्मी द्वारा परिवादी महिला से एक बार नहीं बल्कि बार बार रेप करने का मामला सामने आया। पुलिसकर्मी जब पीड़िता को बुरी तरह से परेशान करने लगा तो उसने मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक को दी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कठुमर थाने में कांस्टेबल और उसके भाई के खिलाफ FIR दर्ज की गई। वहीं SP ने रेप के आरोपी कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से भी निलंबित कर दिया। पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम ने बताया कि कांस्टेबल रामनिवास गुजर एक साल पहले अलवर के कठुमर थाने में तैनात था। उस समय एक महिला का जमीनी विवाद का मामला कठुमर थाने पहुंचा था। इस दौरान महिला की मुलाकात कांस्टेबल रामनिवास गुजर से हुई। कांस्टेबल उसका विवाद हल कराने का आश्वासन देकर उसके घर जाने लगा। इस दौरान कांस्टेबल रामनिवास ने महिला से दुष्कर्म किया। वहीं करीब एक साल तक उसके साथ जबरन संबंध बनाता रहा। उसके बाद पीड़ित अलवर से में बख्तल की चौकी पर परिवार के साथ रहने लगी। यहां भी कांस्टेबल उसके घर जाता और उसके साथ रेप करता रहा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उसके बाद परेशान पीड़िता अपने पति और बच्चों के साथ डीग में रहने लगी। इसकी जानकारी मिलते ही सितंबर को कांस्टेबल रामनिवास डीग गया व उसके पीड़िता के साथ फिर रेप किया। परेशान पीड़िता ने रामनिवास को उसका भाई डीग लेकर गया था। वहीं पुलिस थाने में जाने की जगह सीधा SP ऑफिस पहुंचकर उनसे मुलाकात की और पूरी घटना के बारे में बताया। उसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कठुमर थाने के कांस्टेबल रामनिवास के खिलाफ रेप और उसके भाई के खिलाफ उसे वहां ले जाकर जाने का मामला दर्ज किया।